भाई भाई, अरे यार सुनिए ने, मेरा पास जानते हैं ने, जो भी पैसा था सब खत्म हो गया यार। मैं क्या करूं यार, अकेले यहाँ फंसे हुए हैं, कुछ तो बताइए। क्या परेशानी है भैया? अरे यार, हम यहाँ पर आए थे ना, सारा पैसा मेरा खत्म हो गया है, कुछ उपाय बताइए भैया हमको। अरे तो अभी ना शादी हुआ था आपका, पूरा तो नया नया एकदम दिए हैं। अरे बहुत बड़ा हमारे साथ में धोखा हो गया है ना। पहले तो हो गया था, वो तो पहले है ही है, आप लोग सब जानबे करते हैं। इसलाह एक बार नया किए, आप सोचे सलाह ये लोग पूछेगा, चलो फाइनल कोई नहीं पूछ रहा है। क्या बोला तूने? मतलब कि दूसरा शादी? हाँ जी। तब तो भैया जिंदगी न रखे। तो क्या करना होगा? क्या करना होगा, तो दो गो शादी किए हैं तो मजा ले रहे हैं ना। कोई मजा नहीं हुए, मजाक चलते थे, यहाँ हम फंस गए जी। तो सब बोलता है कि दो गो शादी करने से बहुत मजा आता है, इसीलिए हम शादी किए हैं। भैया सब गलती कीजिएगा, लेकिन दो गो कभी नहीं। जो ये सजा है ना, वो हम जान रहे हैं अभी। अभी जान रहे हैं कि पहले से जान रहे थे? नहीं, पहले तो नहीं जान रहे थे, बाद में हम समझे ना। बाद में समझ में आया। मतलब क्या परेशानी, क्या है दिक्कत? दूगो है तो बढ़िया ना है जी, है? दिक्कत न है, बताइए। सारा पैसा कौड़ी खत्म हो गया है, बताइए। इधर जाते हैं तो ई लथियाता है, उधर जाते हैं तो ऊ लथियाता है। अच्छा एक चीज हमको बताइए ना भैया, कि पहलका वाला बढ़िया है कि अभी नयका वाला? ओह नो। अरे भैया जो भी था वही ठीक है, ये साला बेकार है। पुरनका वाला? हाँ जी। तो फिर सदिया काहे किए थे वो दूगो? अरे लालच में हम फंस गए ने। तिलक उलक बोला था देंगे? हाँ वही चक्कर में तो हम फंस गए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सब तो कहता है कि नया शादी करने से बहुत मजा आता है, तो आप कहे ऐसा हो रहे हैं? अरे का हम बताएं आपको, बहुत बुरा हम फंस गए। फंस गए? और तिलकवा कितना मिला दूसर का सदिया में? अरे मिला नहीं, बोला था। बोला था? अरे को नहीं दिया? एक पैसा नहीं दिया भैया। तो सदिया कहाँ कोर्ट से किए हैं कि बारात गए थे? बारात नहीं है, इसलिए चार को धर पकड़ के करा दिया था हमको। नो 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 नो। मतलब कि चक्कर चल रहा था ना बुढ़ारी में, लगता है कि चक्कर उकर चल रहा था उसी में धरा गए ना। अरे थोड़ा थोड़ा चल रहा था। थोड़ा थोड़ा में तो पूरे कहानी बन गया। अब तो हम नहीं ले जाने भैया, कैसा हो जाएगा एकदम पूरे। तो आदमी लोग कहता है ना कि मजा में सजा, वही ना हो गया। मजा मार रहे थे तब तो खूब मजा आ रहा था, घरवा वाला ठीक नहीं लग रहा था, हाँ। और बाहरे जाके यार ऐश मौज करते थे, घूमने फिरने, पैसा खर्चा करने। अब अभी जब परेशानी आया, लात मिल रहा है ना। ओह माय गॉड। अरे तो क्या करे, आप ही बताइए कुछ हमको। तो गांव वाला शादी करवा दिया है ना, कोर्ट कचहरी से नहीं हुआ है? नहीं भैया, ऐसे हो गया है, अब कहा हम बोले। तब क्या करना है, दोनों को रखना है ना? रखना ही पड़ेगा, अब तो शादी हो गया है तो रखना पड़ेगा। आप देखिए, आप ही जो बताइए हमरा होगा वही उपाय होगा, ऐसे नहीं हम सकेंगे। आप माजा मारने टाइम नहीं पूछ रहे थे हो? अरे तो चुपे चुपे ना हम किए थे। अच्छा, मतलब मजा मारे टाइम भाग जाते थे, इसीलिए बुलाते रहो, हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं, साला घंटों बीत जाता था। अरे मजे तो सबको हम जना देते तो पूरा गाँव ही जान जाता ने। ये हो बतिया, ठीक है बोलते हैं, लेकिन अब तो पूरा संसारे जान गया। और हम चुपे चुपे सोच रहे थे कि उसको घर में रखेंगे, और पहले वाला है उसको पूरा घुमाएंगे इधर उधर। इसीलिए वो कहावत है ना, औरत लोग को सुने हैं
तो औरत लोग जो बोलती है ना, एक जनी वाला लड़ुआ, अच्छा अच्छा, और दू गो जनी वाला ऐसा बात है। अब तो आप है ना बताइएगा कि कैसा बात है। हम तो खाली जहाँ तहाँ औरत लोग बोलती है तो उसी को सुने थे, एक जनी वाला लड़ुआ दू जनी वाला भड़ुआ। तो आपको दिखाइए दे रहा है। अच्छा छोड़िए भैया, वो सब छोड़िए, कुछ उपाय हमको बताइए। शाम भी हो रहा है, हमको चलना भी है। क्या करना है उसको अब जैसे? अब तो खर्चवा तो देना ही पड़ेगा ना। जैसा आप लोग विचार बनाइए वैसे हम करेंगे। सदिया कराया है, उन लोग को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद बैठ के बातचीत करा जाएगा। अरे महाराज, तो लोग एक जगह थोड़ी रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई पटना रहता है, कोई कहाँ रहता है, कहाँ हम लाने जाएंगे? तो सदिया कराने दिन सब जमा हो गया था। सब वही जो कहाँ से जमा हो गया था, वो उन लोग का भी पहले से सेटिंग होगा। लेकिन आप सेटिंग करके भाग रहे थे ना। अब गाँव हम गए, सरपंच मुखिया पूछ रहे थे, बोल रहा है हमको कि हम कहाँ कहाँ खोजने जाएंगे जी। एगो दिल्ली गया तो एगो कलकत्ता है तो एगो पटना है, बताइए उसको इकट्ठा कीजिए तब ने, तब तो भी ऐसे हमको कूट के ऐसे खत्म कर देगा ये लोग। अच्छा ज्यादा चिंता नहीं करना है, मुखिया सरपंच वाला बैठाएंगे और उन लोग को भी बुलाएंगे, तो कुछ बहाना लगाना होगा ना। अच्छा अच्छा, कुछ बहाना लगा के और उसके बाद उसको रफा दफा करेंगे मिलजुल के। तो ठीक है, तो आप बताइए तब कुछ ऐसा। अरे तो अभी अब थोड़ा सा टाइम वाला लेना पड़ेगा ना, एक दो को से विचार करना होगा, उसके बाद ना होगा। हाँ तो ठीक है, तब इसके पहले अब हम क्या करेंगे? अब अभी झेलना पड़ेगा ना दोनों को। तो कहीं झेलते झेलते कहीं चूल्हा में हमको नहीं डाल देगा तब? हाँ तो अब मजा मारे हैं तो सजा तो तनी सा लेना ही पड़ेगा। अब देखते हैं, अब जो कहिए वही करेंगे यार, नहीं तो भाई अब क्या करना होगा सो हमको बताइए। अच्छा ज्यादा लोड नहीं लेना है। अरे महाराज, तो हमका गाड़ी है जो लोड लेंगे, आप ऐसा बात करते हैं। अरे वो वाला लोड नहीं बोल रहे हैं, गाड़ी है लोड लेंगे, हम बोल रहे हैं कि दिमाग में ज्यादा लोड नहीं लेना है। अच्छा अच्छा, हम जो है ना बात करेंगे उसके बाद ही क्लियर होगा। हाँ तो ठीक है, गाड़ी वाला लोड यहाँ बोरा लोड करना है, दो गो बोरा तो लोड करिए लिए। चलिए चलिए जाइए घर, और इतनी नाम से अब दो गो किए हैं तो पहले एक लाथ मिलता था, अब जो है सो दोनों तरफ से एक एक मिलेगा तो दो लाथ होगा, और कहीं दोनों दो दो दिया तो चार होगा, समझ गए ने? अच्छा सुनिए सुनिए ने, अभी टाइम हमारा हो गया, अब जाके हमको चूल्हा भी जलाना पड़ता है, इसीलिए दो को शादी किए हैं। हाँ, और चावल उवल सब बनाना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, चलो एक गो वाला ठीक है, हम लोग तो बहुत बढ़िया रहते हैं। इसीलिए बोले ना भैया कि आप हमको कुछ बताइए। ऐसा कीजिए ना, वो लगता है ना जोड़ा जोड़ा हो गया है, अब एगो और कर लीजिए ना। नहीं, यहाँ दो गो में तो ये हाल है, तो तीसरा में तो बस खत्मे हो जाएंगे सीधे शमशान में। जोड़ा हो गया है ना, इसीलिए लड़ाई होता है। तो क्या तीन गो में नहीं होगा? तीन गो में कहाँ से होगा, दो गो लथियाएगा, एक दूसरा तीसरा तरफ चल जाना। नहीं, जाओ नहीं। साला तुम लोग लड़ते रहो। नहीं नहीं भैया, वो सब काम नहीं करना है, आपको इसी में क्लियर करना है। अच्छा ठीक है, तब बात करते हैं, जाइए तब भात पियन रिंधिए, और मिलेगा तो एक और कर लीजिएगा, है ना? हाँ तो वही करेंगे हम। बस साला का बोले, साला समय ऐसा हो गया है, अब चूल्हा भी जलाते हैं बैठ के, साला लकड़ी भी देखिए कहाँ है, इधर लकड़ी है, इधर इसको जलाते हैं ऐसे, इसको साला कठियो ख़त्म हो गया है। अच्छा अरे हम कहा बोले,
एक हमारा यार भी था उसके पास भी गए तो साला वो भी तो ऐसा बोल रहा है कि दूग जाने में ये हाल है। बताइए देखिए यही हाल है, आप उठिएगा जिसके पास जाते सब वही बताता है। देखिए अब इसको जलाना होगा, इधर साला काठी कोयला भी ख़त्म हो रहा है, देखिए ख़त्म हो रहा है तो साला इसको इसी तरह बनाना होगा। तो साला इसको बर्तन भी थोड़ा सा धोना होगा, चूल्हा तो जल ही रहा है, क्या करें बताइए कैसे क्या होगा। साला ऐसा हम फंस गए बीच में, बहुत दिक्कत हो रहा है, किसके पास जाएं क्या बोलें, कुछ कोई हमको बढ़िया सुझाव नहीं दे रहा है। बताइए कैसे गलती हुआ, आप क्या कीजिएगा, जो होता है सब अच्छा ही के लिए होता है, क्या करेंगे अब। हाँ लेकिन हम एक चीज यही सीखे थे एगो बूढ़ा बुजुर्ग के पास, सब कर्म करना लेकिन दो को कभी नहीं करना, बस दुग में यही हाल है। कहीं बोलेगा उधर जाके कपड़ा धोवो, अब बताइए इधर बताइए, दोनों अपना अपना साला कहाँ कहाँ घूमने गया, इधर हम चूल्हा जला रहे हैं इधर बर्तन धो रहे हैं, यही सब तो साला हो गया है कहानी, यही सब साला ठीक बात नहीं है। इतना हम जानते नहीं तो ऐसा हम नहीं कर, अब गलती तो हो गया है, अब कोई रास्ता निकलता है, जिंदगी भर इसलिए झेलना पड़ता है कि कोई रास्ता और निकालेगा आदमी लोग। देखिए एक आध दिन और जाएंगे किसी के पास, अगर बताता है तो ठीके है, नहीं तो झेलना ही पड़ेगा, जो हुआ सब ठीके है, क्या करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है कि फंसने के बाद साला हम कहा बोले, खाने वाला आदमी खा गया सब मिलजुल के, गदगदा के खा के बोला नहीं जी ठीक है। अब बताइए अभी यहाँ हम फंस गए हैं, साला सब बेकार हो गया, बताइए ना चैन लगता है ना नींद लगता है कुछ नहीं लगता है, बताइए उधर से मारो खाते हैं, हाँ कहिएगा। अच्छा अच्छा सुना भाई, एक वो हम बात बताए रखा, ये लास्ट सारा गलती कर लिया, हाँड़ी दारू सब पी लिया वो ठीक हो, लेकिन एक वो आदमी कभी दुग जनी नहीं कर गया, जिंदगी भर साला झेले पड़ते, ये हम कह रखा यो। और ये हमार चैनल के हिसाब से ये ठीक लगतो, एक लिख के भेजा दिया कि सही बोल ले हमें।